Welcome to Android Computer Tech. Please subscribe my channel and press bell icon to receive all notifications. And like my video and share my video to all friends. Thank you. अस्सलामु अलैकुम एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त अली अब्दुल्ला। दोस्तों, आज हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पर ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। ये एप्लीकेशन पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान तीनों मुल्क में वर्क करती है। इस एप्लीकेशन का काम ये है कि ये आप अगर पाकिस्तान में, ये हिसाब है कि कुछ सिमें मुफ्त मिल जाती हैं जिन्हें सेलिंग पर कहते हैं, हम अपना CNIC कार्ड देते हैं और वो एक्टिवेट करवा लेते हैं। और काफ़ी जगहों पर वो सिम जो है वो सस्ती मिल जाती हैं, कोई 100 की, वो 150 की, जो पहले लोग बंद करवा देते हैं उन सिमों को इस तरह सस्ता बेच देते हैं या फ्री सेलिंग पे करके, तो वो एक्टिवेट को दूसरा करवा लेता है। तो कुछ लोगों को तजस्सुस रहता है कि ये सिम जो है ये हमारे नाम से एक्टिव होने से पहले ये किसके नाम पर थी। तो इस एप्लीकेशन के का मैं इस्तेमाल करके ये बताऊंगा कि हम इस सिम को किसने सबसे पहले ख़रीदा था और एक्टिवेट करवाया था, वो कौन है और उनका एड्रेस और उन ये सिम जिस तारीख को ये एक्टिवेट हुई थी और जिस साल में ये एक्टिवेट हुई थी वो भी ये बता देगा, और वो आदमी कौन सा मोबाइल नंबर अब यूज़ कर रहा है वो भी इस एप्लीकेशन में वहाँ पर डिटेल में आ जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस एप्लीकेशन को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। इस एप्लीकेशन का नाम है ओनर सिम डिटेल। तो चलिए हम प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को देखते हैं। सिम ओनर डिटेल, ये पहले नंबर पे है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें चार सर्वर हैं और अगर एक सर्वर काम नहीं करता तो आप दूसरे पे कर लें, अगर दूसरा काम नहीं करता तो तीसरे पे, अगर तीसरा काम नहीं करता तो आप चौथे पे। और मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें एक जो फंक्शन है यही जो मैं आपको जिक्र कर रहा था पीछे वही काम का है, क्योंकि बाकी जो है अभी लाइव ट्रैक और ये बाकी जो फंक्शन है ये अंडर डेवलपमेंट है, मेरे मोबाइल में एक्टिवेट नहीं। और अगर आपके मोबाइल में एक्टिवेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये अंडर डेवलपमेंट एप्लीकेशन अभी चल रही है। और मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में किसी ने नहीं बनाई होगी और ये हमारे चैनल के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं इसे। तो ये मैंने इसको पहले ओपन किया था इसलिए ये मुझे कह रहे थे, लेकिन ये कहने का अगर आपका पहला सर्वर नहीं चलता तो आप अपना दूसरा सर्वर जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये हम पहला सर्वर ट्राई किया है। पाकिस्तान में नंबर जो है वो ज़ीरो से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर वो कहने का आप ज़ीरो के बगैर नंबर ऐड करें, मतलब 3 से शुरू करें। और इंडिया में तो ज़ीरो का नंबर में हिंसा ही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए हम इसे डिसमिस कर देते हैं। हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, मैंने इसे सर्वर 1 पे चलाया है, ये यूज़र नेम, इसमें मैं डबल टैप करता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ अपना। सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये एडिटिंग यूज़र नेम जहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर आप सिर्फ डबल टाइप कर देते हैं ये एडिटिंग कहेगा, तो यहाँ पर आप लिखने की कोशिश करिए, लिखा नहीं जाएगा, इसलिए आप सर्च पर इसे रोक दें। और यहाँ पर ये देखिएगा, मैं नंबर लिखता हूँ 3 4 7 7 5 8 3 7 3 5 3 0 7 4 0। ये मेरे दोनों नंबर आ चुके हैं। ये देखे, यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ 3 लिखा था तो ये सारे नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर नंबर आए थे। लेकिन मैं उधर से नंबर नहीं, मैं आपके सामने ये लिख के भी आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह लिखे जाते हैं। 0 0 6 7 7 3 5। ये नंबर इसलिए आते क्योंकि मैंने एप्लीकेशन जो है वो
पहले से ओपन करके रखी हुई थी। ये मेरा नंबर है इसे मैं तो ये देखें नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर देखें यहाँ पर ये मैंने नंबर लिखता है, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। ये सर्च हो रहा है ये देखें सर्च हो चुका है, तो ये रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पर ये वेबसाइट पेज अवेलेबल नहीं है, हम दूसरे सर्वर पे जाकर ट्राई कर लेते हैं। नहीं ये रिकॉर्ड आ चुका है, मैंने दो बार सर्च किया था इस वजह से ये मसला हुआ था। ये रिकॉर्ड वन पहला जो है वो पहला रिकॉर्ड वन ये ऐड आ रहे हैं। ये एम हनीफ, ये जब मैंने सिम खरीदी इससे पहले जिसने ये खरीदी थी ये मोहम्मद हनीफ है। ये चेक नंबर 133 और 134 में ये रहते हैं, ये लाहौर में शहर जो है वो लाहौर है। ये नंबर है जो इन्होंने लिया था, इसका अगर यूनिट नंबर लेते तो ये लेना था इन्होंने, लेकिन ये इनका जो नंबर है वो अब ये है जो इन्होंने नंबर नया लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस एप्लीकेशन को गलत मकसद या गलत काम के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये 16 अक्टूबर 2009 को ये सिम खरीदी गई थी और ये था पूरी मेरी सिम जो है इसकी जो मेरे से पहले ख़रीदार था उसकी डिटेल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ना पसंद आई तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें और हमारी वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों तमाम लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।